बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। G20 की बैठक में राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित भोज में नीतीश बाबू शामिल हुए थे। हालांकि विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन नीतीश बाबू इस राजकीय भोज में शामिल हुए। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिड़ा जीवन उच्चा पद्धर किमें चक सकते हैं, ये साड़ियाँ प्रायोरिटीज़ ने। मेरे ते यकीन तुसी कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश बाबू का गर्मजोशी से स्वागत किया था और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात भी करवाई थी। तभी से सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि नीतीश बाबू फिर से एनडीए में वापसी कर सकते हैं। वहीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल हुए। अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात से भी बिहार में सियासी बदलाव के संकेत मिलने लगे। नीतीश बाबू ने इंडिया लाइंस के संयोजक का पद भी ठुकरा दिया था। लगातार जेडीयू की तरफ से नीतीश बाबू को पीएम पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही सीट शेयरिंग में देरी होने से भी नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सामूहिक रैली करने का प्रस्ताव आया था, लेकिन आज तक इंडिया गठबंधन की तरफ से एक भी सामूहिक रैली का आयोजन नहीं किया गया, इसीलिए नीतीश बाबू ने इंडिया गठबंधन के संयोजक का पद ठुकरा दिया। इससे ये संकेत मिला कि इंडिया गठबंधन की कार्यशैली नीतीश बाबू को पसंद नहीं आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे अरसे से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मानित करने की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश बाबू की इस मांग को स्वीकार कर लिया। इसके बाद नीतीश बाबू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। इससे भी संकेत मिल रहा है कि नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। वहीं इधर से बीजेपी नेताओं के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी ज्यादा हमला आरजेडी पर बोला है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उनका रवैया सॉफ्ट होता जा रहा है। इससे भी ये संकेत मिलते हैं कि नीतीश बाबू अब एनडीए में जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिसंबर महीने में ही बिहार को 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। आमस दरभंगा सड़क का निर्माण इस पैकेज में होना है। आमस शिवरामपुर के बीच काम शुरू हो चुका है। शिवरामपुर रामनगर रोड पर भी काम शुरू हो चुका है। कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण भी हो रहा है। गडकरी की उदारता से भी ये संकेत मिल रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच की दूरी कम हो रही है। वहीं पिछले दिनों ही नीतीश बाबू ने आरजेडी के बड़बोले मंत्रियों को ठिकाने लगाया है। चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्रालय जैसे अहम विभाग से हटाकर गन्ना विभाग में भेज दिया गया है। वहीं शिक्षा विभाग पर मंत्री से ज्यादा असर अपर मुख्य सचिव के पाठक का है। इस बात से भी संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश बाबू के पास बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहाँ कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता है, इसलिए बिहार में भी बड़े सियासी बदलाव का अंदेशा जताया जा रहा है, लेकिन असली तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।